क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन टॉइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम एंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एक डाई को हमने थ्रो किया है, ओके, सो व्हेन यू विल थ्रो द डाई, राइट, ट्वाइस मतलब एक ही डाई को हम दो बार थ्रो कर रहे हैं और उसका नोट डाउन कर रहे हैं, या तो फिर आप 2 डाई को एक साथ थ्रो कर लो एंड देन यू नोट डाउन इट्स फेसेस, राइट। तो दोनों भी कंडीशन सिमिलर है, ओके, एक डाई हम 2 बार थ्रो करेंगे या 2 डाइस हम 1 टाइम थ्रो करेंगे, दैट विल बी द सेम सिचुएशन। तो सपोज इफ यू आर थ्रोइंग द 2 डाइस साइमल्टेनियसली, राइट, तो अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं, राइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सो 2 डाई हम जब थ्रो करेंगे, राइट, तो एक के फेसेस है 6, एक के फेसेस है 6, तो यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 5 6, दूसरे के भी फेसेस रहेगी 6, सो दैट विल बी 1 2 3 4 5 6, राइट, एंड टोटल पॉसिबल जो रहेगा हमारे आउटकम्स, दैट विल बी 6 into 6, दैट इज इक्वल टू 36। बट यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कोई भी टाइम पे 5 नहीं आएगा। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कि कोई भी टाइम पे 5 नहीं आएगा, राइट। सो कोई भी टाइम पे 5 नहीं आएगा, इसका मीनिंग दिस केस यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, ओके, यहाँ पे भी 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्योंकि दोनों 5 आते हैं, राइट। सो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब ये सिचुएशन हमारी नहीं रहनी चाहिए कि जहाँ पे ये आ रहा है, ओके। देन दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटीज बनेगी, ये रो अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे सारे 1 टाइम 5 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, दिस विल बी 5 1, दिस विल बी 5 2, दिस विल बी 5 3 5 4 5 5 and 5 6। सेकेंड सिचुएशन क्या रहेगी हमें, हमारी यहाँ पे, ओके, दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 5, देन 2 5, 3 5, 4 5, राइट, 5 5 and 6 5, ओके। 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, इसके फेसेस है 6, इसके फेसेस है 6, सो फर्स्ट तो हमें मिलेगा टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना रहेगा हमारा, टोटल पॉसिबल आउटकम व्हेन यू विल थ्रो द डाइस ट्वाइस, दैट विल बी इक्वल टू n of s, that will be equal to 36. कैसा आएगा 36? That will be 6 faces and 2 dice, so that will be equal to 36. Okay, तो फर्स्ट तो है कि टोटल पॉसिबल आउटकम है हमारा 36. अब 36 में से फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 5 will not come up either time. So हम लिखेंगे यहाँ पे let e be the event of not coming 5 up either time. Okay, let e be the event of not coming 5 up either time. कोई भी टाइम पे 5 नहीं आ रहा है, मतलब कोई दोनों भी डाइस पे 5 नहीं आ रहा है, उतने नंबर ऑफ इवेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो जहाँ पे 5 आता है, ये हमने 6 फेसेस लिख दिए, तो हमें पता है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे हमारे जो फिगर रहेगी वो कैसे रहेगी, 1 1, ठीक है, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 4 1, यहाँ पे 6 1, राइट। हियर इट विल बी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिया हमने, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यह हम टेबल भर देंगे, सो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, लाइक दिस। यहाँ पे भी रहेगा, दैट विल बी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके। तो जहाँ पे 5 आता है, ऐसी हमारी पॉसिबिलिटीज है, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, तो टोटल रहेगी दैट विल बी 11, ओके, 6 दिस साइड, 5 दिस साइड। सो 11 छोड़ के बाकी सारे कंडीशंस में हमारा 5 नहीं आता है, इट इज नॉट कमिंग 5 अप आइदर टाइम, ओके। सो दैट विल बी हाउ मेनी नंबर्स, दैट विल बी द 36 माइनस 11। कैसे किया हमने? 11 हमने फाइंड आउट किए है दैट 5 आर कमिंग। ओके, सो इसका मतलब बाकी के जो रहे हैं उसमें 5 नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशंस कितनी हो गई? दैट विल बी इक्वल टू 36 माइनस 11, सो दैट विल बी इक्वल टू 25। सो 25 टाइम्स हमारा 5 आता नहीं है कौन से डाई के फेस पे। ये क्लियर हुआ राइट? हमने क्या किया यहाँ पे? इसके 6 फेसेस लिख दिए, इसके 6 फेसेस लिख दिए। जहाँ पे 5 आता है वो हमने काउंट किया। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? जहाँ पे 5 नहीं आ रहा है उसने केसेस दैट विल बी इक्वल टू 36 माइनस 11, सो दैट विल बी इक्वल टू 25। तो ऐसे केसेस है 25। सो हमारा एन ऑफ ई जो बनेगा, therefore n of e will be equal to 25, right? So p of e, that is simple, therefore p of e that will be equal to n of e divided by n of s, so that is equal to कितना आएगा वो 25 by 36, that will be equal to 25 divided by 36. okay, so that is the probability of not coming 5 up either time. सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है हमें? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मतलब 1 टाइम और मोर देन दैट, 1 टाइम और मोर देन दैट मतलब सेम सिचुएशन हो गई। यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, तो ये सारे कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे 5 आता है यहाँ पे भी 5 आता है। तो ये टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा? 11 आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड लेंगे हम, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस। ओके, गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, तो ये कौन से कंडीशन आएगी यहाँ पे? राइट, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा कौन से? 5 1, राइट, यहाँ पे एक टाइम आ रहा है, देन 5 2, देन 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा? रिवर्स, दैट विल बी 1 5, इसमें एटलीस्ट 1 टाइम आ रहा है, सो 1 5, देन 2 5 3 5, 4 5 5 5 रिपीट हो रहा है इसलिए हम नहीं लेंगे यहाँ पे, एंड देन 6 5। सो टोटल कंडीशन हमारी यहाँ पे बनेगी दैट विल बी इक्वल टू कितनी है हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट? सो हमारा एन ऑफ E2 दैट विल बी इक्वल टू 11, देयरफॉर एन ऑफ E2 विल बी इक्वल टू 11। सो पी ऑफ E2 जो बनेगा हमारा, पी ऑफ E2 that will be equal to n of E2 divided by n of S, so that will be equal to 11 by 36. That is the probability that 5 will come at least once.